नाराज तकबीर शाबाश तकबीर शाबाश। यहाँ इस HSS के खूबसूरत कैंपस में हमारे साथ एक नौजवान जुड़े हैं, एक स्टूडेंट जुड़े हैं जो कि काफी इंटेलिजेंट है। बेटा आपका नाम क्या है? My name is Idwan Ejaz. Idwan, आप कहाँ से हूँ? So, मैं ही काबरन से हूँ। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? So, I study 9th class. Okay, very nice. What is your aim in life? So, my aim is to become an IAS officer. Okay, may Almighty Allah bless you and fulfill all your wishes. Amen, sir. So, क्या कहना चाहोगे आज इस स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में? आज पहली बार हो रहा है यहाँ पे आपके इस HHS के कैंपस में पहली बार स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सर, इवेंट के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि टैलेंट सर जनरेट होता है, मतलब बाहर बाहर आता है टैलेंट जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, मतलब जिसका जिस गेम में दिलचस्पी होगी, इवेंट मतलब फुल कंसंट्रेशन उसी गेम में वो आगे आगे जाते हैं, प्लेटफॉर्म एक किस्म का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, क्यों आज ये आप पर्टिकुलरली 29th अगस्त 2022 को ये दिन मना रहे हैं? सर, बिकॉज एक बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, उन्होंने हिस्ट्री में एक प्लेयर थे वो, उन्होंने 1000 गोल स्कोर किए हॉकी में, उन्हीं की याद में उनका आज बर्थडे था 29 अक्टूबर 1905, उसी की याद में ये दिन हम मनाते हैं। चलो, कितना आज खुशी फील कर रहे हैं आप? कितनी मतलब आज आपको खुशी मिल रही है कि आज यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है आपको? बहुत ही मज़ा आता है, जैसे आप जब आप एज ए स्टूडेंट ये करिकुलर एक्टिविटीज देखते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है, सब बहुत मज़ा। चलो, बहुत ही फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए कि सर होने चाहिए, बहुत होने चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा, अपने कैंपस के बारे में आप बताइए, कौन आपका फेवरेट सर है यहाँ के? सर, मेरा फेवरेट टीचर है यहाँ पर डॉक्टर सबजार सर। ओके, क्या पढ़ाते हैं आप? डॉक्टर सबजार सर हमें हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, मेनली वो एक्सपर्ट है हिस्ट्री में। ओके सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आपका ये यहाँ के प्रिंसिपल सर कौन है? यहाँ के प्रिंसिपल सर मिस्टर आबिद हुसैन है। चलो, बहुत ही आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इदवान एजाज जो कि 9th में पढ़ते हैं। उनका जो मकसद है ज़िंदगी में, एम है, वो यही है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह रहमान हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसका जो मकसद है वो कामयाब हो जाए अपने मकसद में। तो आपसे विदा चाहते हैं, सलाम अलैकुम। स्पोर्ट्स डे यहाँ पे HHS कापरन में, आज 29th अगस्त है। स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है इस वक्त कापरन में, कापरन के इस खूबसूरत हायर सेकेंडरी में। यहाँ के प्रिंसिपल सर आबिद साहब भी मौजूद हैं और हमारे जो सीनियर लेक्चरर यहाँ पे मंजूर साहब, वो भी मौजूद है, आप देख सकते हो। आज 29th अगस्त 2022 है। यहाँ पे मिडिल स्कूल के हेडमास्टर सलामत साहब और डॉक्टर गुलजार जो कि गुलजार भाटनी के नाम से मशहूर है, वो भी मौजूद है यहाँ पे, ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों को। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि कौन आगे जाएगा। मंजूर सर, वी हैव अ सीनियर लेक्चरर हियर। मंजूर सर, सर हैव अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस स्पोर्ट्स इवेंट। या दिस इज वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जिसमें मतलब बहुत ही शानदार ह्यूमन रिसोर्स है अपना, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस इवेंट के लिए, तो वी लुक ए वंडरफुल डे एज फार एज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड। सर, ये कोई शेड्यूल है आज गवर्नमेंट की तरफ से, क्या है इसके बारे में सर बताइए? इन ऑनर ऑफ ध्यानचंद, फेमस हॉकी प्लेयर, तो उसी के याद में, उसी के ऑनर में ये नेशनल सपोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। तो वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट फ्रॉम लास्ट नियर अबाउट 1 मंथ। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ सीनियर लेक्चरर फिजिक्स जो कि HOI भी रह चुके हैं इस हायर सेकेंडरी कापरन के, डॉक्टर मंजूर साहब, काफ़ी इंटेलिजेंट सॉबर माइंडेड है। थैंक यू सर। ये देखिए, आज का जो इवेंट यहाँ पे HSS कापरन में हुआ है, उनके फिजिकल मास्टर जो है खालिद सर, स्टूडेंट्स के साथ। तो हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे
खालिद सर से। खालिद सर, आपका खैर मकदम है हमारे इस पेज पे, तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में? थैंक यू ब्रदर, आज हमारा ये जो इवेंट हुआ है एथलेटिक्स का स्पोर्ट्स डे पे, बहुत अच्छा बच्चों ने अच्छे बड़े जोश खरोश के साथ इसमें हिस्सा ले लिया और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है वो मिडिल स्कूल से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमारे बच्चों ने भी यानी 11th 12th की बच्चों ने भी पार्टिसिपेशन की, लेकिन वो उस हद तक कामयाबी हासिल नहीं कर पाए जिस हद तक मिडिल स्कूल की बच्चों ने इसमें यानी कामयाबी हासिल की। और लड़कों ने एथलेटिक्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई जिसकी वजह से हमारी तीन पोजीशन जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल ने बॉयज में। जेके जब पहली जो देखने को मिलता था जो जेंडर डिफरेंस थी गर्ल्स और बॉयज में, मुझे लग रहा है वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। आपका जो मोटिव था सर, सर से मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपका मोटिव था वो कंप्लीट हो गया जो आप चाहते थे इस स्पोर्ट्स इवेंट से आपको मिले? एक्चुअली ये वो खत्म करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि आपको पता ही है वी बिलोंग्स फ्रॉम द लैंड ऑफ फर्टाइल लैंड। हाँ यस सर, तो यहाँ पे आप देखोगे बंच ऑफ स्कॉलर्स आप बाहर रिटायर देखोगे, लेकिन फिर भी जो अभी भी एक बैरियर था लड़कों और लड़कियों में वो स्पोर्ट्स के हवाले से वो खत्म होता जा रहा है, लड़कियां ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और लड़के जो है उनके साथ शाना बशाना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे खालिद सर जो कि एनर्जेटिक है, आप देख सकते हो अभी भी फिटनेस इनकी। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ खालिद सर की वो अपने बाइसेप्स दिखाए क्योंकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। बाइसेप्स है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि जो फिजिकल टीचर जैसा होना चाहिए वो लेजी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पे एक कप पकड़ के रखा है, उनसे आपका नाम जानना चाहेंगे। साहिल, किस क्लास में पढ़ते हो आप? अच्छा, कितनी खुशी आपको मिल रही है आज स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है? बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, कितना अच्छा क्या लग रहा है आपको कि आज थोड़ा सा डिफरेंट था स्कूल में, क्या एक्सपीरियंस आपने हासिल की? जी बहुत ही मजा आ रहा है, ये बहुत ही जरूरी है कि फिजिकल फिटनेस भी इससे अच्छी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारे साथ और एक बच्ची जुड़ी है जिसका नाम है मुनैजा फयाज जो कि बीएमएस कापरन से। मुनैजा, क्या आपको लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है आपको? अच्छा, फर्स्ट प्राइज आपको मिला है? तो बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेट्स मेरी तरफ से, आप फूलो फलो, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो ये बॉयज जो है ये एंजॉय कर रहे हैं आज का स्पोर्ट्स डे जो कि पूरे नेशनल लेवल पे मनाया जा रहा है आज। कितना मजा आ रहा है बॉयज, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया।